हाय गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आप लोग के सामने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूं। और गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहे। और गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छा लगने से आप लोग प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, देन मिलते हैं वीडियो में। और गाइस, आज का मेरा वीडियो था बस कार्ड, हाँ मेट्रो कार्ड बोल सकते हैं उसे। और गाइस, आप लोग को बता दूं कि मैं अभी फ़िलहाल दुबई में हूं। और यहां पे दुबई में ट्रैवल करने के लिए हम लोग को बस कार्ड चाहिए होता है। हाँ, वो जो बस कार्ड होता है साथ में आपका मेट्रो में भी यूज़ होता है। हाँ, कार्ड आपका एटीएम कार्ड जैसा होता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। और गाइस, जब भी आप मतलब ट्रैवल करते हैं तो वो मतलब कार्ड को साथ में रखना पड़ता है। और या फिर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो या मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो वो कार्ड अपने साथ में रखना पड़ता है। और गाइस, जैसे कि आप मेट्रो में आप जाएंगे, बस में जाएंगे, हाँ, तो विंडो के पास में स्कैनर रहता है। स्कैनर में हम लोग अपना कार्ड स्कैन करते हैं। हाँ, जैसे हम बस के अंदर चढ़ते हैं तो कार्ड को स्कैन करना पड़ता है। हाँ, जैसे हम कोई भी स्टॉप में उतरते हैं तो वो दोबारा अगेन स्कैन करना पड़ता है। और गाइस, डिस्टेंस के हिसाब से अमाउंट काट लिया जाता है। जितना भी हाँ ट्रैवल का कॉस्ट होगा वो मतलब डायरेक्ट काट लिया जाता है। और गाइस, मेट्रो में भी सेम प्रोसेस है। हाँ, जैसे हम मेट्रो स्टेशन में जैसे हम जाते हैं प्लेटफॉर्म में, जाने से पहले एक गेट रहता है, गेट के पास में कार्ड को स्वाइप किया जाता है। हाँ, उतरने के टाइम में अगेन कार्ड को स्वाइप करना रहता है, जितना भी अमाउंट होगा वहाँ से काट लिया जाता है। और गाइस, जैसे कि हम लोग इंडिया में देखते हैं कि हम लोग बस से ट्रैवल करने के टाइम में कंडक्टर आते हैं, पैसे लेते हैं, छुट्टे के लिए फाइट होता है, झगड़ा होता है, हाँ, या फिर डिस्टेंस में कम पैसा लिया, ज़्यादा पैसा लिया, उसके लिए भी कंडक्टर के साथ में आर्गुमेंट होता है। और गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब भी यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो आपको बस कार्ड लेना पड़ेगा। और गाइज़, वो बस कार्ड में हम लोग अमाउंट रिचार्ज कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, उसमें आप 10 रुपये डालिए, 20 रुपये डालिए, 5 रुपये डालिए, हाँ, लेकिन मिनिमम अमाउंट आपका 17 रुपीज़ या 15 रुपीज़ से ज़्यादा ही होना चाहिए। और गाइस, जब आप बस में ट्रैवल करते हैं या फिर हाँ कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हैं, बीच बीच में चेक करने के लिए भी आते हैं कि आपके अमाउंट में पैसा है कि नहीं है। तो गाइस, आप लोग जब भी आप बस से या मेट्रो से ट्रैवल करें तो हमेशा अपना पैसा चेक करना। और गाइस, उसको जो मतलब बस कार्ड है उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए आप यहाँ के जितने भी सुपर मॉल है वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर बस स्टैंड में रिचार्ज करने का हाँ सिस्टम भी रहता है। तो वहाँ पर छोटा सा ATM कार्ड जैसा मशीन रहेगा, तो वहाँ पर आप पैसा डाल के अपना कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। और गाइस, योला सिस्टम तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और गाइस, कुछ भी झंझट नहीं है कंडक्टर को पैसा देने का, लेने का, कितना पैसा लिया, कम पैसा लिया, ज़्यादा पैसा लिया, तो सब कुछ डिजिटल है। और होप कि हम लोग के इंडिया कंट्री में भी फ्यूचर में ये सारा सिस्टम आए, और जो कि हम लोग को मतलब और साथ में हम लोग का सुविधा भी होगा, टाइम भी बचेगा। और गाइस, वो जो कार्ड है आप सिर्फ वो कार्ड को बस में यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिला है, मेरे जो मतलब दोस्त लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी काम करते हैं मेरे साथ में, तो वो लोग ने बोला है अगर मान लो उस कार्ड में ज़्यादा अमाउंट आप मतलब डालते हैं तो उससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग करने के टाइम में उसको आप स्वैप भी कर सकते हैं, तो उससे भी आप हाँ शॉपिंग कर पाएंगे बस कार्ड से। और गाइस, यहाँ पे जो टैक्सी है, टैक्सी में यूज़ नहीं होता है, वो टैक्सी में यूज़ नहीं होता है, हाँ सिर्फ मेट्रो में या फिर शॉपिंग मॉल में और या फिर बस में ही यूज़ होता है। और गाइस, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एकदम उस हाँ उसके 2-3 फ़ायदे हैं। हाँ, आपका मतलब टाइम बचता है, बस के कंडक्टर से या ड्राइवर से झगड़ा नहीं होगा, और जितना भी डिस्टेंस होगा गवर्नमेंट की तरफ से उसी हिसाब से पैसा काट लिया जाता है। और तो बस, तो गाइस यही था वीडियो। और गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छा लगने से आप लोग प्लीज़ लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब। और गाइस, आप लोग को लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन देना था, जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं,
हाँ सबको ढेर सारा थैंक यू, क्योंकि मेरा आज मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और गाइस आप लोग को मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि मगर आप लोग को दुबई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मतलब उसका मैं वीडियो बना सकूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ओके देन, मिलते हैं, बाय बाय।